बारिश देख लो क्या जबरदस्त स्टोरी है। यहाँ पर फूफा जी आ गए हैं, ये हमारे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज मनवीन द लवर्स। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, टाइम हो गया है करेक्ट 12 सुबह के। तो फाइनली वो दिन आ गया जब मेरा एग्ज़ाम है। पता नहीं कैसा होएगा एग्ज़ाम, प्रिपरेशन तो पूरी है बट अगर कल भगवान ही जानता है कि पेपर कैसा आएगा, कैसा रहेगा। वैसे तो पता नहीं कैसा जाएगा, बट एक दिक्कत है यार, मेरा ना एक बोर्ड है जो कार्डबोर्ड बोर्ड होता है ना, पेपर बोर्ड होता है, तो मेरा बोर्ड मिल नहीं रहा, वो लकी बोर्ड है मेरा। तो अब कुछ कोई और लेकर जा रही हूँ, मैं उसी से काम चलाऊँगी। पता नहीं मेरा पेपर कैसा जाएगा। मतलब यकीन नहीं मानोगे, मैंने 10th के बोर्ड के पेपर्स में लिया था वो, और तब से लेकर वो अभी तक हर एग्ज़ाम में मैं उसी को यूज़ किया है मैंने। तो देखते हैं कैसे जाता है पेपर। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, खांसी और जुकाम हो रखा है पता नहीं कैसे। और चलते हैं, ये भी तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। और मुझे ना एडमिट कार्ड भी निकलवाना है, फोटोकॉपी उन्होंने आज सुबह ही भेजा, और अब जाएंगे वो फोटोकॉपी निकलवाएंगे। पता है कितना टाइम लगेगा। और गुड़गांव में बारिश बहुत हुई हुई है जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा। और देखते हैं, बस रचना मिले, 2 बजे का पेपर है और मेरा, तो चलते हैं। चले चलो, तो भैया चलते हैं। तो भाई निकल लिए हम, गाड़ी में आ चुके हैं और निकलने के हो गई तैयारी, निकल ही गए थे। बस मैडम रुकी बीच में अपना वो क्या नाम है, एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए। तो भैया एडमिट कार्ड निकलवाने गई है, निकलवा के आती है तो फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। लेट हो गए हैं। ये था कि भाई पहले तो मैं सोच रहा 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर मेरे याद आया, अरे लास्ट टाइम ये 1.5 घंटा लग गया था पहुंचते पहुंचते, तो टाइम लेके चलना चाहिए। फिर भी हम निकलते निकलते अब 12:30 हो गए हैं और 2 बजे एग्ज़ाम है, तो अब चलेंगे जब जाके हम पहुँचेंगे 1:30 बजे तक। वो भी 4 किलोमीटर पहले था वो, जहाँ पहले प्रैक्टिकल हुआ था वो 4 किलोमीटर पहले था। अब हमें 4 किलोमीटर और आगे जाना है, तो 5-10 मिनट और उसके लगा लो। तो अब थोड़ा सा गाड़ी को पेलना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं क्या होता है। पहुँचते हैं टाइम पे, नहीं पहुँचते जैसा भी होगा आपको दिख जाएगा। तो वेट करते हैं मैडम का, कब तक आएगी। आ गए हैं कार में एज यू कैन सी, और फंस गए हैं जाम में, बहुत ज़्यादा रश हो रखा है क्योंकि बारिश हुई है ना, तो सारी जगह जाम ही जाम है। और पता नहीं टाइम पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। इतना मैं कर रही हूँ अपनी रिवीजन, लास्ट रिवीजन कर लेते हैं एक बार अपने आप को मेमोराइज करने के लिए। और टाइम हो गया 12:48, 2 बजे का पेपर है। पता नहीं था लेट हो जाएंगे क्योंकि तो बारिश हो गई, सुबह तक तो मौसम बहुत बढ़िया था, धूप निकली हुई थी, बट अभी हो गई बारिश। पहुंच जाएंगे, देखते हैं, लेट्स सी पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। अभी तो यही है भाई, बारिश देख रहे हो क्या जबरदस्त हो रही है, मतलब बारिश भी कह रही है, मैंने आज ही बरसना है, देख रहे हो बहुत तेज बारिश हो रही है। कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा बट बहुत तेज बारिश हो रही है, काफी ज्यादा। टाइम हो गया है 1:08, बारिश हो रही है बहुत तेज। ऐसे आज पता है रेड अलर्ट था, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, उसने बोला कि जो गुड़गांव यूनिवर्सिटी है ना, आज उनका भी बीएड का एग्ज़ाम है, तो उन्होंने तो कैंसिल कर दिया है। तो मैंने भी कॉलेज में कॉल करके पता किया, वो प्रिंसिपल है, वो मतलब फ़ोन नंबर वगैरह है मेरे पास उनका, तो उनसे पूछो, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो गाइडलाइंस आई है गुड़गांव के लिए आई है, MDO में एग्ज़ाम होगा और आपको आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने। तो जा रहे हैं, तो अगर कैंसिल हो जाता तो सही रहता है ना। बारिश, चलो हम तो पहुंच जाएंगे, पर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो द्वारका से आएंगी, मिलवाया था ना मैंने उसे मनीषा और महिमा से और प्रीति से, तो वो भाई वो द्वारका से आती हैं वो, और वो दोनों ही तीनों एक बाइक पे आती हैं, तो बाइक पे अब आना, अब देखो इतनी दूर से वो भी ट्रैवल करके वो बारिश में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पता नहीं आगे क्या सीन होगा। और देखते हैं, अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो रास्ता लंबा है, तो पहुंचे ही नहीं है।
कॉलेज है बीच रस्ते में, तो आज वहाँ पर भी एग्ज़ाम होगा, तो सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। और हमने किसी और को भी लिया अपने साथ, तो हमने काजल दीदी को लिया है। काजल दीदी का भी एग्ज़ाम है। देखो तो टाइम से मेरे को तो लगता नहीं पहुँचेंगे, 153 हो गए हैं भाई। यार तुम्हारी स्कूल कॉलेज के हो क्या आप? अंदर करवा दो भैया थोड़ी देर के लिए, तो आपको वही तो आप देखो तो भाई मैडम तो चली गई हैं क्योंकि टाइम लेट हो गई थी। वो हम पहुंचे यहाँ पर 2:18 पे और 2 बजे का एग्ज़ाम था, 18 मिनट लेट हो गई। कोई नहीं, अब करेंगे जैसे भी होगा, लेट तो होना ही था। देख लो 12 बजे के चले हुए थे हम और कहाँ आके 2:15 पहुंचे हैं, लेट हो गए। चलो कोई नहीं, जैसा भी हुआ, सब कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम तो यही मानते हैं। तो पहुंच गए हैं यहाँ पर और वेट कर रहा हूँ मैं गाड़ी में बैठ के, अपना टाइम पास कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, लेटा हुआ हूँ। तो बस क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पर बुआ का घर है एक्चुअली, लेकिन वो भाई है बुआ जी का लड़का, वो गया है कावड़ लेने। अगर वो यहीं होता तो मिलते उससे भी, लेकिन अभी फ्री नहीं है, तो क्या कर, मतलब फ्री क्या, वो है ही नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं। तो घर भी क्या जाना, वो नहीं है तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा, तो इसलिए बुआ के भी नहीं जा रहा, बुआ से भी नहीं मिलने जा रहा, तो यहीं करते हैं वेट। और साथ में बुआ जी की लड़की आपने देख ही लिया, तो वो दूसरी बुआ हैं, दोनों आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। आप सोच रहे हो, कन्फ्यूज हो रहे हो कि बुआ बोल रहा है बुआ के घर से ही आया ले के उसको, ऐसी बात नहीं है। वो दूसरी बुआ है, वो हमारी बड़ी वाली बुआ है, उनसे जो सबसे बड़ी बुआ है वो यहाँ रहती है, उन जिनका लड़का कावड़ लेने गए, और जो छोटी बुआ है उनसे, उनकी वो लड़की है जिसका एग्ज़ाम है। तो ये आसपास ही हैं, 5-10 किलोमीटर के हेर फेर में दोनों हैं। तो भाई करते हैं वेट और क्या कर सकते हैं, आते हैं तो पूछता हूँ भैया कैसा गया एग्ज़ाम, लेट भी हो गए थे। चलो जैसा भी है करते हैं वेट, फिर देखते हैं बुआ के घर जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, वहाँ बैठेंगे, बातें करेंगे, जैसा भी होगा पता चल जाएगा आपको। रुकेंगे कि नहीं भी रुकें, हो सकता है हम चले जाएं सीधा घर, क्योंकि 5 बजे छुट्टी होएगी और फिर वही है, निकलते निकलते रात हो जाएगी, फिर ऑफिस टाइम हो जाएगा, बारिश भी हो रही है तो अंधेरे में और ज़्यादा ड्राइविंग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं हर जगह, अभी आते आते ही काफ़ी जगह गड्ढे थे। तो चलो जैसा भी होगा पता चल जाएगा आपको। पर हो गया एग्ज़ाम, आ गए सब, इधर भी आ गई है काजल भी आ गई। कैसा गया एग्ज़ाम? बढ़िया 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 हो गया, पूरी सीट बढ़ के आई हो? 36। चलो भाई अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, तो इसको भी छोड़ना है, फिर आगे भी निकलना है, क्योंकि फिर रात हो जाएगी, तो बताया था मैंने कि फिर गड्ढे वड्ढे का पता नहीं चलेगा, तो निकलते हैं फटाफट। तो भाई यहाँ पर हमने काजल को छोड़ दिया है। ओके बुआ, ठीक है, परसों 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 यही कट जाओ, आज पेपर है ना। सोसाइटी में सेक्टर 83, तो रिया दिया कल कुछ दिन बोल रही थी कि भाई भाई आ जाना, तो हम आ गए, सरप्राइज़ देंगे उनको, तो देखते हैं कैसा रिएक्शन होता है उनका। तो चलो देखते हैं कौन कौन है घर में। मुझे तो लगता नहीं बुआ फूफा होंगे, तो देखते हैं बाकी कौन कौन है घर में। किधर से देखते हैं, कोई खाना बना रहा है, कुछ बना रहा है, किचन खाली है, कोई नहीं है।
यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर चल रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे बुआ क्या कर रही है? बुआ तो बुआ भाई पहले बहुत सारी क्रिएटिविटी करती थी, तो अब दोबारा उसी पे आ गई है। तो ये पेड़ है, अच्छा देख सकते हो ये पेड़ है, इस पे तितली बैठी हुई है। तो भैया हमारी यूट्यूबर आ गई है, दो नंबर करने गई है। तो भाई आ गई है हमारी जीजा चाय लेके, देख रहे हो भैया चाय बना के लाई है, मेहनत करके लाई है लड़की। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, बेचारे के व्यूज नहीं आ रहे हैं, व्यूज लेके आओ भाई, गाइस सपोर्ट करो। और ये बुआ का पेड़ तैयार हो गया है, देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। दो तीन पेड़ हमारे घर पे भी ले रहे हैं, यानी हमारे कान्हा जी और ये इनके देखो पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग करी है इनकी, मेकओवर किया है, मेकओवर किया है। और यहाँ देखो कितने अब प्यार लग रहे हैं, पहले तो इनकी कौन से वाले की आंख नहीं थी, हमारे वाले की इनकी भैया आंख एक गायब हो गई थी, तो अब देखो इन्होंने बनाई है आंख, लेके भी आई थी वो लेकिन मिल नहीं रही वो, तो उसी के लिए तो ग्लू मंगवाई थी वाली। बढ़िया लग रहे हैं, अरे सर चाय चल रही है, चाय भाई यहाँ पर चल रही है पूजा, और हमारे जी है कर रही है पूजा, देख सकते हो। काफी अच्छा मंदिर बना रखा है यहाँ, देख सकते हो आप घर में है ये। बुआ को पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मशरूम, तो मशरूम के लिए बुआ ने मेरे को रोक लिया, अरे खा के ही जाइयो। तो भाई ये हो गया है डॉग्स का खाना तैयार, और ये देखो इधर, ये देखो खाने की तैयारी शुरू हो गई, और इधर हमारी मटर मशरूम तैयार होने वाली है, और इधर इधर बुआ ने अपने लिए कुंदरू बनाई है, और आज रिया जिया का फास्ट था तो उन्होंने अपने लिए आलू, मतलब बुआ ने आलू उबाले उनके लिए। तो भाई यही चल रहा है, सबके लिए अलग अलग खाना बनाए, तो मेरे लिए मटर मशरूम, मैडम के लिए मटर मशरूम, थोड़ा थोड़ा जो भी खाना चाहेगा खा लेगा, बाकी दोनों का फास्ट है, रिया जिया का तो वो तो अपना आलू एक ने खा लिया है, एक बाहर घूम रही है तो वो आके खाएगी, और मैडम के हो रहा है सर में दर्द तो वो थोड़ा रेस्ट कर रही हैं। तो चलो जब खाना खाएंगे तो मिलेंगे आपसे भी, ये देख सकते हो इधर लेके हुए हैं परेशान लाचार। तो भैया एक तो जुखाम है, जुखाम की वजह से छींक छींक के परेशान है, और क्या नाम है उसी की वजह से सर दर्द जुखाम होता है, तो भाई सर दर्द तो होना ही होना वाजिब है। तो चलो मिलते हैं अभी खाने पे, देखते हैं खाना थोड़ी बहुत देर में खाते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। यहाँ पर फूफा जी आ गए हैं, ये हमारे पहचानो, ये पहचानो कौन से फूफा जी हैं, आपको पहचान है,
सुला रही है। तो भाई यहाँ पर सबके सोने का टाइम आ गया, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी सुला दिया गया है और हम भी सोने चलते हैं। तो ठीक है जी, बाय बाय, बाय बाय। तो चलो एंड कर देते हैं, व्लॉग यहीं करते हैं एंड। तो ठीक है भाई दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, किसी बड़े से व्लॉग में। तो चलते हैं अब घर, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया, खाना भी खा लिया, फूफा भी आ गए हैं, खाना खा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब कर दो यार, कितना बोलें आप, ठीक है, बाय बाय।